अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाइज़ा मोमिन, लाइफ ऑफ FUN में आपका स्वागत है। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम मनाने जा रहे हैं फेफसा कलेजी की बहुत बेहतरीन रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी जो झटपट में रेडी हो जाए। तो मैंने इसमें चार चीज़ यूज़ की हूँ, फेफसा, कलेजी, गुर्दा और दिल, और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, हरी चटनी में हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना, लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ले ली हूँ फेफसा, ये मैंने ले ली हूँ कलेजी, और ये है दिल। ये सारी चीज़ मैंने बीफ का ली हूँ, एकदम फ्रेश और हलाल, और ये है गुर्दा। तो हम ये सारी चीज़ को अच्छे से पहले कट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वॉश करते हैं। तो पहले मैं कट करके आती हूँ, कर ली हूँ, अभी मैंने इसको वॉश करूँगी। ये है दिल, गुर्दा, ये फेफसा और ये कलेजी। तो ये सारी चीज़ें कट हो गई है, अब इसको वॉश करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या लगेगा ये बनाने के लिए। हम इसको चटनी में बना रहे हैं ये रेसिपी। तो चटनी में बनाने के लिए हमें लगेगा, एक मैंने दो बड़ी प्याज ली हूँ और उसको लंबी लंबी कट कर ली हूँ, दो बड़े टमाटर, अदरक, लहसुन और कोथमीर का पेस्ट है ये नमक और सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने तेज़पत्ते, गोल मिर्च, ज़ीरा फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सिनेमन स्टिक, वो सब ले ली हूँ और हल्दी। तो हमें ये सारी चीज़ लगेगी फेफसा हरी चटनी में बनाने के लिए। तो चलिए हम इसको पहले वॉश करते हैं, फिर उसके बाद कुक करते हैं, लेट्स गो। तो अच्छे से हमने ये सारे चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए हम इसको अब अच्छे से कुक करते हैं। तो ये रेसिपी हम बनाएंगे कुकर में। हमारा कुकर हो गया है गरम, हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमारा ऑयल गरम हो गया है, जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें सारी प्याज डाल देंगे, अनियन, और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो पूरी प्याज को अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो हमारी प्याज अच्छे से लाल हो गई है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले बहुत ज़रूरी है ये रेसिपी में डालने के लिए, बिकॉज खड़े मसाले से जितनी भी स्मेल है सारे फेफसा कलेजी की, वो सारी निकल जाएगी। तो हमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, और खड़े मसाले के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और कोरिएंडर का, कोथमीर का पेस्ट। और उसके साथ साथ हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, और ये सारी चीज़ को अच्छे से हम भूंज लेंगे। जैसे ही तेल अलग हो जाएगा ये भूंज के, तो हम इसमें सारा फेफसा कलेजी मिक्स करेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें सारा चारों चीज़ डाल देंगे।
दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, अब ये सारा चीज़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हम दो टमाटर जो मैंने कट करके रख ली हूँ वो पूरा इस पे डाल देंगे। आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा मिर्ची डाल सकते हो। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे नमक। मैंने एक चम्मच नमक डाली हूँ, आपके टेस्ट के ऊपर है आपको कितना डालना है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे सीटी दे देंगे 5 से 8। आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सीटी देना चाहिए। A few inches later. तो मैंने 5 सीटी ली थी मेरे कुकर के हिसाब से और ये परफेक्ट गल चुका है, पूरा अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने वाटर का इस्तेमाल नहीं की थी बट आप देख सकते हो सारी चीज़ों से, फेफड़ा, कलेजी और गुर्दा दिल से नेचुरल वाटर निकल चुका है। और खड़े मसाले का मैंने इस्तेमाल की थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आ रही है, अच्छे से गल गया है, अच्छे से कुक हो गया है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो पहले नहीं खाती थी बट मेरे शौहर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो उनकी वजह से मैं भी खाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं की थी कि कैसा रहता है, देख के ही मुझे कुछ होता था पहले। बट नाउ इट इज़ द मोस्ट डिलीशियस रेसिपी डिश। तो ज़्यादातर अब मेल्स लोग को बहुत पसंद होती है तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए अपने फादर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और मुझे कॉमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। So do like, comment, share and don't forget to subscribe. Allah Hafiz. Take care. Bye-bye.